सुस्वागतम, यू हैव ट्यून्ड इनटू फर्स्ट बॉर्न दी चैनल फॉर द न्यू पेरेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए वीडियो में पीछे आप देख रहे हैं हमारे बापा विराजमान हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, वी आर इन ब्रिस्बेन। तो इंडिया में हम सब जानते हैं कि गणपति बापा को जब लाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से लाते हैं। फॉरेन में ये सब थोड़ा कम हो जाता है, स्पेशली यहाँ पे हम एक्चुअली एक मंथ के लिए हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही मतलब जब हम लोग आए उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा कि गणेश जी की मूर्ति अवेलेबल हो जैसे कि इंडिया में मिलती है, और वो भी इको फ्रेंडली, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढा, यहाँ पे मूर्ति अवेलेबल थी, लेकिन वो क्या था, कलर वगैरह वाली मूर्ति होती है नॉर्मली जैसे हम इंडिया में परचेस करते हैं। तो इंडिया में तो क्या होता है कि जब हम विसर्जन करते हैं तो नदी में या समुद्र में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा करना अलाउड नहीं है। और दूसरा कि प्लांट्स वगैरह में आप क्या कर सकते हो कि घर पे टब में विसर्जन करके प्लांट्स में आप कर सकते हो विसर्जन, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो रह रहे हैं वो हमारा खुद का अपार्टमेंट नहीं है, सर्विस अपार्टमेंट है। तो क्या होता है, अगर खुद का घर होता है तो बाहर गार्डन वगैरह होता है, वहाँ पे फूल पत्ती होते हैं, होती है, सब पेड़ होते हैं, वहाँ पे वो पानी हम डाल सकते हैं विसर्जन का। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई खुद का प्लांट नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि बाहर से गणपति हम खरीद के लाए जिसमें सब कलर्स वगैरह होंगे। तो इससे बेहतर है कि हम लोग खुद से सिर्फ मिट्टी के गणपति बनाएं जिसके ऊपर कोई कलर वगैरह नहीं लगाएंगे, ताकि क्या है कि विसर्जन अगर करते भी हैं, अपार्टमेंट के नीचे प्लांट्स हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि उधर करके आए, घर में पहले टब में विसर्जन करेंगे और फिर वहाँ पे जाके वो पानी पौधों में डाल देंगे। लेकिन क्या है कि एटलीस्ट वो सिर्फ मिट्टी होगी, उसमें कोई और कलर वगैरह कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा खतरा कम होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कब ऐसे वो कलर वाला पानी हमने जाके डाल दिया और फिर पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। तो इसलिए हमको ये थोड़ा टेंशन भी हो रहा था, लेकिन इसलिए फिर हमने सोचा कि मिट्टी के हम गणपति बनाते हैं। तो ये मूर्ति मतलब खुद हाथों से मैंने बनाई है अपने, तो जैसे भगवान जी हैं उन्होंने तो हम सबको बनाया हुआ है, तो हमारी कोई औकात ही नहीं कि हम बोले कि उनको हमने बनाया, लेकिन उनकी मूर्ति मैंने बनाई है। कोशिश ज़रूर, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद की इसमें। हम लोगों ने रात को 11 बजे शुरू किया था, परसों रात को 31st को, और 11 बजे से लेके 2 बजे तक ऑलमोस्ट हमारा ये काम चला, शिवन्यास हो गई थी उसके बाद। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पहली बार मैंने ऐसे कोई कोशिश की और एक्चुअली में रंग लगी, क्योंकि एक्चुअली में अच्छी मूर्ति बनी है। पहले था पता नहीं, हम लोग यूट्यूब से वीडियो देख के हम लोगों ने एक वीडियो में अच्छा लगा तो ऐसा सोचा कि मूर्ति इसे बनाते हैं, लेकिन पता नहीं फिर एग्जीक्यूशन कैसा होगा, ऐसा हो गया था। लेकिन फाइनली पापा की मूर्ति अच्छी बनी है, और अभी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए हमारे पापा, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वैसे हम लोग हर साल बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना अवेलेबल था उससे ही मैंने किया है डेकोरेशन, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली बड़ी मूर्ति होती है, और नीचे ये जो आप सुपारी देख रहे हैं वहाँ पे हमारे घर पे छोटी सी गणेश जी की मूर्ति है चांदी की, वो हम रखते हैं, लेकिन वो इस बार नहीं थी तो सुपारी रख दी है। और उनका जो आसन है वो हमने चावल का बना दिया है, और उनका जो दिया देख रहे हो आप, वो दिया भी मिट्टी का मैंने बनाया हुआ है। वैसे तो हम लोग अखंड दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्मोक डिटेक्टर है घर पे, तो पूरा दिन दिया नहीं जला के रख सकते, तो इसलिए सिर्फ आरती के टाइम पे ही दिया लगाया हुआ था। जितना हमसे हुआ श्रद्धा से उतना हम लोगों ने किया है। ये देखिए, ये वो चाय भरने के लिए वो किटली होता है ना, वैसा था, उसका ढक्कन निकाल के मैंने कलश जैसा बना दिया। फिर मिठाई काजू कतरी भगवान को आज भोग में चढ़ाई थी, और कहते हैं कि गणपति बापा को नारियल बहुत पसंद है, तो कोई नारियल की मिठाई नहीं बना पाए तो डायरेक्ट नारियल ही रख दिया था साथ में। आई होप कि बापा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, वो ज़रूर से खुश हुए होंगे। काजू कतरी है मैंने थोड़ी सी सौमिल की ऑफिस में भिजवाई सबको प्रसाद के तौर पर, और थोड़ी सी हम लोगों ने खाई, फ्रूट्स यहाँ पर चढ़ाए बापा को, और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। आई विश कि बापा आप सब की इच्छा पूरी करें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको
ये मूर्ति कैसी लगी पापा की? मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है एक्चुअली, मैम मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन ये एक्चुअली कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई है इसीलिए, ये तो पापा का प्रताप है एक्चुअली में, पापा विराजमान हुए हैं इसीलिए। आप कोई भी मूर्ति देख लो गणपति की किसी के भी घर में, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ही लगती है क्योंकि पापा खुद वहाँ पर बसे हुए होते हैं, तो कोई प्रश्न ही नहीं है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। कोई भी मूर्ति आप देख लो पापा की। तो चलिए अब आपको मैं व्यू दिखाती हूँ अपनी बालकनी से, मैं बैक कैमरा ऑन कर लेती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए हमारा जो घर है ना वो 11th फ्लोर पे है, यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है पूरा व्यू। अभी शाम के कुछ 5:15 बज रहे हैं, यहाँ पे तो अंधेरा हो जाता है लगभग 5:30 बजे के आसपास। अभी वेदर ठंडा नहीं है उतना, वरना तो इस टाइम पे आप खड़े नहीं रह सकते बाहर। अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे जो रोड्स हैं वो इतने क्राउडेड नहीं लगते इंडिया के जैसे, तो कभी कभी अच्छा भी लगता है और एकदम साफ सुथरा है, अच्छा लगता है देख के। यहाँ पे बैठ के चाय पीने की बहुत मजा आती है बालकनी में। तो यही था मेरी बालकनी से व्यू। अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी। गणपति पापा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हम लोग 2016 से गणपति जी घर पे ला रहे हैं, और वो जो 1.5 दिन होते हैं, हम लोग 1.5 दिन के लाते हैं गणपति, वो मतलब उसकी रौनक ही कुछ और होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं घर इतना पवित्र हो गया है, घर में एकदम मंदिर जैसा फील होता है। और हम लोग नॉर्मली जिस दिन गणपति लाते हैं उस दिन शाम को सबको दर्शन के लिए बुलाते हैं, तो शाम से रात तक पूरा दिन घर में चहल पहल, सब अड़ोसी पड़ोसी सब रिश्तेदार फ्रेंड्स सब आते हैं दर्शन करने, इतना अच्छा लगता है। और सब काफ़ी लोग बोलते हैं मतलब हमारे अपार्टमेंट में भी कि आपके जो घर में बापा है वो साक्षात है, वो प्रार्थना करते हैं तो सफल होती है। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करूँगी अपने पापा से कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। गणपति पापा मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि 2 साल पहले जब हमारे घर पे पापा आए थे उसके कुछ 8-9 दिन के बाद ही मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट विद शिवन्या। तो जब पापा थे उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली जब पापा आने वाले थे उस दिन पे मेरी पीरियड्स की डेट थी, तो मैं मतलब काफ़ी टेंशन में थी कि पीरियड्स आ ना जाए तो अच्छा है क्योंकि फिर पूजा वगैरह कर नहीं सकते हैं। और उस टाइम पे मैं कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती थी पीरियड्स डिले करने के लिए, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू कंसील। तो मुझे ऐसे भी मैं कोई मेडिसिन मतलब लेती नहीं हूँ कभी पीरियड्स डिले करने के लिए, एक्सेप्ट 1 or 2 times सिर्फ मैंने लिया था, वो भी मैंने एक बार गणपति के टाइम पे ही लिया था। और 2 साल पहले भी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे गणपति के टाइम पे भी टाइम पे ही पीरियड्स की डेट आ रही थी, तो मुझे ऐसा था कि नहीं यार मुझे इस बार नहीं लेनी है। तो फिर मैंने पापा से सिर्फ प्रार्थना की कि पापा आप ये 1.5 दिन बस निकाल देना, उसके बाद जो होगा वो होगा, लेकिन बस ये 1.5 दिन में पीरियड्स वगैरह कुछ नहीं आए। और पता नहीं पापा ने तो मेरी जैसे सुन ली कि फिर शिवन्या को ही दे दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवन्या जो है वो पापा का आशीर्वाद है मेरे लिए। और यकीन मानिए जब शिवन्या पैदा हुई थी ना तो वो दिखती भी वैसी थी, मतलब उसका नाक उस टाइम पे ऐसा बड़ा बड़ा था और वो पापा के जैसे ही लगती थी, एकदम गोलू मोलू और इतनी सुंदर लग रही थी। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी यहाँ पे ऐड करके, इतनी सुंदर लगती थी तो ऐसे ही लगा था कि पापा आ गए हैं खुद। तो इसीलिए मेरे लिए पापा बहुत ही स्पेशल है। तो पिछले साल तो शिवन्या छोटी थी, वो कुछ 3 या 4 महीने की थी जब पापा लाए थे, और इस बार हम इंडिया में नहीं हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि अपने मन से जितना हो सके हम पापा की स्थापना करके उनसे प्रार्थना करें। बस तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे हाँ ये ज़रूर बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। वैसे तो मैंने टॉपिक्स कुछ डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आप भी ज़रूर कमेंट करिए कि आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर बनाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। पापा आप सबको सुख शांति समृद्धि दे ऐसी प्रार्थना, और मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।